बहुत ऑफर्स आती होंगी फिल्मों की दूसरे जो हमारे नेबर मुल्क है उससे। मैं इंशाल्लाह जा रहा हूँ। अच्छा। फरवरी में कुछ है हमारे इंडिया, पंजाब में भी एक दो, क्योंकि मेरे डैडी के शागिर्द हैं, हमारे बड़े भाई हैं हरभजन सिंह मान, वो बड़ा प्यार करते हैं, बल्कि एक फिल्म शुरू हो रही है। मुझे धर्मेंद्र साहब ने बुलाया था लास्ट 2 साल पहले, तो तब ये बॉम्बे ब्लास्ट की प्रॉब्लम हो गई, उस वजह से मैं जा नहीं सका, वरना उनकी एक फिल्म आ रही थी यमला पगला दीवाना रिलीज हुई, उसमें मेरा गाना था। तो लेकिन इंशाल्लाह है, कुछ अच्छा। प्लान है। फिर उसके बाद मैंने पर्शियन और भी गाया, खबरम रसीद इमशब के निगार खाही आमद सरमन फिदा राही के सवार खाही आमद हमिया। पर्शियन समझ आती है आपको? मुझे इसकी समझ है जो आप पढ़ते, जो मैं कर रहा हूँ, ये अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है और बड़ा अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे तब बड़ा आप इंजॉय करते हैं जब आप किसी फेस्टिवल में जाते हैं और 22 ममालिक के लोग थे और किसी को किसी की जुबान की समझ नहीं थी, लेकिन वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसके अलावा मैंने इंग्लैंड में, अमेरिका में पाकिस्तान डे परेड पे मोनामेंट में मैंने ऑफिशियली गाया है, और अमेरिका भी गया हूँ, इंग्लैंड भी गया हूँ, यूएई भी, इंडिया तो मैं रिसेंटली, बल्कि इससे पहले मैं कपूरथला फेस्टिवल में गा के आया हूँ इंडिया में, वो हेरिटेज है एक। तो ज़्यादातर बेसिकली मेरी कंसंट्रेशन जो है वो आरफाना कलाम और जो फोक है, क्योंकि फोक मेरे घर का है, सूफी फोक, और वालिद साहब का भी जो स्टार्ट है वो सैफुल मुल्क भैरवी, क्योंकि उन्होंने राइज कर दी है, तो इस हवाले से है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि दो ही सिनफें जो हैं वो जरा दिल को ज्यादा लगती हैं, ना फोक मरना है और ना ही कहीं आरफाना फोक में आप जो मर्जी कर देना, फोक में आप भंगड़ा भी फोक है और नहीं, और कलाम की तो क्या ही बात है, तो बंदा गुम ही हो जाता है। सर असल में बिल्कुल, बस सिर्फ ये है, मैं अपने भी आपको यही कहता हूँ और दोस्तों को भी रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि प्लीज जो है ना पोएट्री पे बड़ा ध्यान दें, क्योंकि मेरे फादर जो है, मेरे फादर जो हैं वो माशाल्लाह वो बड़े मल्टी टैलेंटेड जैसे एक शख्सियात में से हैं, उन्होंने एक्टिंग की, फिल्म्स में एज एन हीरो भी आए, फिर उन्होंने ड्रामे भी किए, ARY मुझे याद है पीछे में बड़ी चुस्त पैंट पहन के और शर्ट और बड़ी जबरदस्त ये शौकत साहब बहुत ज्यादा, पर ये है। फिर स्कोर ये है, गानों का बहुत बड़ा स्कोर माशाल्लाह जो उन्होंने, अभी उनके बच्चे और हमारे यूथ के सब गाते हैं, जैसे कदीते हसबोल उनका है, छल्ला है जो छल्ला है, मतलब ये नो डाउट कि ये फोक में आता है, लेकिन ये जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में सबसे पहले छल्ला जो है वो मेरे ताया अनायत अली साहब ने और मेरे वालिद शौकत अली साहब ने उसके बाद उन्होंने गाया, अब माशाल्लाह सब गाते हैं, लेकिन उनके ओरिजिनली ये कंपोजिशन भी जो है हमारे खानदान की है। और फिर जगह है उनका, फिर वो एक लिस्ट लंबी आ जाती है, पंजाब की हुजूर मेरे फेमस फेमस जो दास्तानें हैं वो सारी। जी जी, जुनैद खारा से भी पूछते हैं कुछ फैशन वीक के हवाले से, हमें बताएं कि हमने आपकी कलेक्शन नहीं देखी अभी तक फैशन वीक में है। अनुषा, एक्चुअली आई ट्रैवल अब्रॉड अ लॉट, सो माय थिंग इज के जो लोकल मार्केट, आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंटेल, बट एंड माशाल्लाह दे हैव बीन कमिंग टू मी ओवर द इयर्स, बट इधर लोकली इतने ज्यादा ज्यादा डिजाइनर्स हो गए हैं कि लोकली अब मुझे इतना मजा नहीं आता काम करने का। सो आपको लगता है टिपिकल हो जाता है? नहीं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग टिपिकल, इट्स जस्ट दैट सो मेनी पीपल आर कमिंग, यू नो, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर ऑब्वियसली फैशन फ्रेटर्निटी, आपको पता है एवरीवन्स इंटरकनेक्टेड, मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स आर माय फ्रेंड्स, या सीनियर्स थे या जूनियर्स थे या बराबर थे, या आप वैसे ही जानते हैं, मुझे सबका काम बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में उन्हीं को करने देना चाहिए। अच्छा, I think I should take my work abroad, and that's why I go to exploring new market. Yeah, and you know, because वही वाली बात है कि जो पुराने क्लाइंट्स है या जो भी नया आना चाहता है वो ठीक है, मोस्ट वेलकम, बट मैंने आपको बताया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो व्हेन आई गो अब्रॉड तो अक्सर ही शोज में आई गो एज अ डिजाइनर, आई एम इनवाइटेड टू डू शोज इन इंटरनेशनल फैशन वीक्स, साथ ही मीडिया का भी काम कराती हूँ, तो वो फिर मैं करती हूँ कि यू नो आई एम नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन हू, आई एम नॉट ग्रीडी, मुझे होता है कि मैं हर काम नहीं करना चाहती, जो कर सकती हूँ मैं कर सकती हूँ। ये तो वाकई है, वैसे आपके बारे में तो मुझे कहा भी था, है ना? आपको बड़ा याद है। अच्छा, सारे इंटरनेशनली किस किस जगह पे फैशन वीक में हिस्सा लिया? I've done fashion weeks in Dubai, in India, Mauritius, and I'm going to South Africa very soon. Wow, lovely. And you know, London and around, and baki exporting to Saudi Arabia, Canada. Achha. And a lot of other places. So, bahut kaam hai Anusha, you know. Haan. You do so many things together. Haan. You know it becomes very, very impossible. And
आप भी काफी बिजी रहते हैं तो अच्छा मैगजीन को इंटरनेशनल लेके जाने का कोई इरादा है क्या? वी आर ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग टू इंडिया फॉर द पास्ट 3 इयर्स एंड वी आर सेंडिंग टू 4 की कंट्रीज इन सॉरी सिटीज कंट्रीज इन इंडिया बिकॉज़ इंडिया सो बिग इट्स लाइक अ कंट्री विद इन कंट्री यू नो हो सकता है कंट्री वो बन भी जाए मुख्तलिफ काफी अपसेट है ना एक दूसरे से कहते हैं हमने लड़ना होंगे मैंने नहीं खेलना अब नहीं हमने खेलना है अच्छा तो और दुबई में भी आपका प्लान दुबई में भी वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑन वेरी स्मॉलर स्केल बट अब उसको बढ़ा रहे हैं वी आर इन टॉक्स तो लंदन में भी लेके जाएंगे और दुबई भी लेके जितना पाकिस्तान का नाम रोशन हो उतना कम है यूएसए के अंदर बहुत बड़ी कम्युनिटी है हां जी बिल्कुल जी बिल्कुल लंदन में भी बड़ी है हां जी लंदन में भी काफी पर्याप्त है देसी जी हां जी बिल्कुल आपको कोना ढूंढना पड़ता है कनाडा में भी यही हालत है ब्रैडफोर्ड में आप चले जाएं तो आपको माशाल्लाह जैसे आप मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इज लाइक अ मिनी पाकिस्तान जी जी ब्रैडफोर्ड तो सारा हमारे जो मीरपुर के हैं सारे एमपीज हम मैं उनको बोलता हूं अमेरिका में एक शिकागो में रहता रहा हूं किसी कुछ अरसा तो वहां पे एक स्ट्रीट है डिवॉन के नाम जी 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 उधर आप जाएं तो आपको लगता ही नहीं है कि सारा कराची भरा हुआ है और अगर आप न्यूयॉर्क में जैक्सन हाइट्स और जैक्सन हाइट्स 74 स्ट्रीट जैक्सन हाइट वो सारा जो है जितना निराला और कबाबिश और हमारे सारे सब है वहां पे सब है वहां पे और सबसे ज्यादा जो खूबसूरत बात है वो ये है कि वहां पे जो है ब्रुकलिन है एक एरिया है वहाँ पे तो आपको कहीं ऐसे बंदे पहनेंगे कोई धोतियों वाले बैठे हुए हैं कोई उर्दू बैठे हैं बाकी पान रखे हुए हैं तो वो उन्होंने अपना पूरा कल्चर जो है वहाँ पे वहाँ पे उन्होंने उस पे लगाया अच्छा मोहसिन आपने माशाल्लाह इतना पूरी दुनिया में टूर्स किए हैं कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा मजा आया आपको परफॉर्म करने का असल में ये है पाकिस्तान जैसा कोई नहीं है सबसे पहले अल्लाह ही जानता है पाकिस्तान से बड़ा एंजॉय मैंने बहुत सी मैं वाशिंगटन डीसी के सामने भी प्रोग्राम करके कहा लेकिन होता ये बाहर जरा आपको इसलिए ज्यादा मजा आता है कि वो लोग आप थोड़ी देर के लिए जाते हैं वो थोड़ी देर नहीं उसकी बड़ी वजह ये है दूसरी बात सबसे ज्यादा खुशी वाली ये होती है कि वो लोग अपने कल्चर और अपने आर्टिस्टों से दूर होते हैं तो वो बहुत प्यार करते हैं वो ज्यादा मिस करते हैं वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं पाकिस्तान तो हम सब जिंदा हैं यही बात है मैं ईरान गया तो आप यकीन कीजिए कि मुझे वहाँ पे क्योंकि ईरान को ईरान इज सेम लाइक अमेरिका माहौल के हिसाब से बिल्कुल वैसे ही है बहुत खूबसूरत मुल्क है तो वहाँ पे जो चंद पाकिस्तानी फैमिलीज थी किसी ने कोई मेरा प्रोग्राम देखा हुआ था किसी ने वैसे के सुना हुआ था और ख़ास तौर पे वो अब्बू के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ही तो वो मुझे दावतें और इतना प्यार से और वहाँ पे जाके ज़्यादा फील हुआ वो कहते हैं हम मिस करते हैं पाकिस्तान को क्योंकि पाकिस्तान से आए से तो हम लोग तो शुक्र अच्छा, हम आपके गाने को मिस करें इस वक्त और हमने ब्रेक पे जाना है और आपके गाने से जाएंगे मगर उससे पहले मैं जल्दी से सारा से तीन क्विक सवाल पूछूंगी कि फेवरेट डिज़ाइनर पाकिस्तानी उमर सईद फेवरेट मॉडल फीमेल नहीं कोई भी भाई विनी नहीं एक एक मैं एक नो एंड मेरी इसलिए मैंने कहा क्विकली क्योंकि जो पहले मुंह में आएगा ना बिकॉज़ इरिज बोला है इरिज पसंद है इनको बस मैं बहुत छोटी थी जब से फैशन सीन देख रही हूं एंड आई लव इरिज बिकॉज़ देयर इज नो वन लाइक इरिज इन विनी सही बात है उन्होंने कमाल कर दिया कि वो 40s में हैं और इतनी जबरदस्त है कि 18 ईयर अभी भी जब इंस्टाग्राम पे आती है तो सारी मॉडल्स आर लाइक यू नो इन द बैकग्राउंड शी इज सुपर सो शी इज रियली कूल या सो फेवरेट फोटोग्राफर आतिश आजाद ऑब्वियसली इसके बारे में कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है हाँ ठीक है जी तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे मगर ब्रेक से पहले हम सुनेंगे मोहसिन साहब से एक हाँ गाना भी सुनना है और खुदाफिज भी कहना है क्योंकि दो गेस्ट और वेट कर रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस थैंक यू सो मच आपका बहुत दोनों से मिलके आपका बहुत शुक्रिया ए प्लस का पूरी टीम का मैं अपना एक एल्बम है टाइटल आ रहा है उसका नहीं पहले सबके सामने वादा करके जाएं कि हमारे संडे है फंडे पे आप आएंगे दोबारा जहां हां क्योंकि मेरा दिल नहीं भरा मुझे गाना ही नहीं सुनने को मिला दो महीने से नईम साहब जब याद करेंगे इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे मैं अपने एल्बम का गीत है और साहर अली बग्गा साहब मेरे बड़े प्यारे भाई हैं माशाल्लाह उन्होंने इसको अरेंज किया है कंपोज किया है तो मैं वो पेश करता हूँ आप पेश करने से पहले मुझे शुक्रिया अदा करने दीजिए शुक्रिया निशे फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड थैंक यू जुनैद यू गाइस आर ग्रेट कंपनी टाइम होता है ना आई विश और जो आपका बैंड है वेरी गुड म्यूजिक इरादर Thank you, Naeem, for putting together a wonderful show. Yeah. You've great, got great hosts. And Rab ji, over to you. Thank you and so thank much. You for coming to thank the show so as well. Because you मैंने आपके साथ time गुजार लिया वरना आपके पास तो कभी time ही नहीं होता. नहीं, आपकी बड़ी मोहब्बत इस बहाने चले जी. हमारे पास time ही time.
मंडिया विच रूमाया एक सोना Very nice. What?